नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट बाबा हिंदी पर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे घर के वॉशरूम या किचन में लगे सिंक में एक छोटा सा छेद होता है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण और इसके बारे में कुछ फैक्ट, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये फैक्ट ऐसे हैं जिससे आपका सिर चकरा जाएगा। आप आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो इस पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि सिंक में ये छेद क्यों होते हैं। इसके अलावा भी हम आपको इस वीडियो में कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर वन, हमारे घर के वॉशरूम या किचन में लगे सिंक में एक छेद क्यों होता है। दोस्तों, ये इसलिए होता है ताकि कभी सिंक की जाली में शैम्पू के खाली पैकेट, बाल या कोई कचरा फंस जाए और सिंक के अंदर से पानी निकलना बंद हो जाए, तो इससे सारा पानी आपके वॉशरूम या किचन में फैल सकता है। जिससे बचने के लिए सिंक बनाने वाली कंपनियों ने सिंक में ये छेद दिया है, जिससे ऐसी कोई भी कंडीशन होने पर पानी उस छेद के द्वारा बाहर निकल जाए। फैक्ट नंबर दो, अगर दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा, प्लास्टिक से बने स्टूल या टेबल या कुर्सी के बीच में एक छेद होता है, तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए दोस्तों हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है ताकि जब आप उस पर बैठे या कोई सामान रखें तो सारा प्रेशर एक जगह पर ना लगकर पूरे स्टूल या कुर्सी पर लग जाए, जिससे वो कुर्सी टूटने से बच सकती है। इसका एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर आप बहुत सारी कुर्सियों पर स्टूल्स को एक जगह पर रख दें तो उन्हें उठाने के लिए या निकालने के लिए आसानी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा था? चलिए अब हम आपको बताते हैं फैक्ट नंबर तीन के बारे में। हम सभी लोग अपने पूरे जीवन में पैन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर आप में से किसी ने ये ध्यान दिया होगा कि पैन के बीच या ऊपर की तरफ या पैन की कैप में एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है, तो दोस्तों ये छेद पैन में क्यों होता है? ये छेद पैन में इसलिए होता है ताकि पैन के अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ने से रिफिल के अंदर की इंक फैल ना जाए, जिससे हमारे कपड़े या सामान खराब होने से बच सके। फैक्ट नंबर फोर, पैन के अंदर छेद इसलिए भी होता है क्योंकि अगर गलती से कोई बच्चा पैन की कैप या पैन को निगल लेता है तो पैन की कैप या पैन के बीच में बने छेद से बराबर ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे समय रहते ही बच्चे को बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर फाइव, आप में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने पूरे जीवन में एक पानी की बोतल जरूर खरीद कर पी होगी। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि पानी की बोतल में लाइंस बनी होती हैं। वो लाइंस क्यों होती हैं? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी भी बोतल की अच्छे से अच्छी पैकिंग करती है, जिससे लोगों को वो बोतल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। हर कंपनी अपनी बोतल का शेप और साइज अलग अलग रखती है, चाहे वो बोतल पर बनी लाइंस से क्यों ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाइंस के बारे में। वो लाइंस वहां पर इसलिए होती हैं ताकि आप बोतल को अच्छे से पकड़ सकें। वो लाइंस बोतल के लिए एक ग्रिप का काम करती हैं, जिससे बोतल को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। कैसा लगा आपको इस बोतल की लाइन के बारे में, अजीब फैक्ट के बारे में सुनकर? आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपने कभी देखा है कांच की बोतल के नीचे या बियर की बोतल के नीचे छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं? आपने कभी गौर किया है कि वो लाइंस क्यों होती हैं? आपको बता दें कि इनमें छोटी लाइंस इसलिए होती हैं ताकि बोतल को रखने में आसानी हो और बोतल को सीधा रख देने के बाद वो गिरे नहीं, जिससे वो बोतल जहां पर भी रखी है अपनी पकड़ वहां पर बनाए रखे। नंबर सेवन, दोस्तों आपने अपने स्कूल लाइफ में प्राइमरी क्लास में पेंसिल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। हमें बचपन में पेंसिल इसलिए दी जाती थी जिससे हम अपनी गलती को सुधार सके। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पेंसिल का सबसे पीछे वाला हिस्सा काला क्यों होता है? पेंसिल के पीछे का हिस्सा काला इसलिए होता है ताकि बच्चों के दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पड़े कि पेंसिल खत्म होने वाली है। दोस्तों, इससे हम बिजनेस का एक छोटा सा रोल भी सीख सकते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसे करने के लिए उसे बहुत ज्यादा इनोवेटिव बनाना होगा।
अगर देखा जाए तो ये केवल कंपनी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 के बारे में। आप सभी ने 1 रुपए के सिक्के के ऊपर एक थम्स अप का निशान जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो हम थम्स अप का निशान 1 रुपए के सिक्के के ऊपर क्यों होता है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं थम्स अप के इस फैक्ट के बारे में। पहले के समय में 1 रुपए के सिक्के पर 2 गेहूं की बाल के निशान होते थे, जो इंडिया के मेजर प्रोड्यूसर यानी कि गेहूं को सम्मान देने के लिए किए जाते थे, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर ही टिकी हुई थी। दोस्तों, अब सिक्के पर थम्स अप का निशान इंडिया के ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। इसके बाद हाथ के साथ चूड़ियों के निशान भी होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये वुमन एम्पावरमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर सिक्कों के अलावा नोटों पर भी अलग अलग संकेतात्मक आकृतियां छापी जाती हैं। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम सभी नोटों की सीरीज का एक वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं फैक्ट नंबर 9 के बारे में। गर्मियों में पंखे का कितना ज्यादा काम है, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, पर क्या आपने पंखे के अमेजिंग फैक्ट के बारे में ध्यान दिया है कि पंखे में 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पंखे में 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 3 ब्लेड को लगाने से उनका बैलेंस सही रहता है। अगर हम पंखे में 3 से ज्यादा ब्लेड लगा देंगे तो पंखे की मोटर पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, और अगर हम इसमें 2 ब्लेड लगा देंगे तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में 4 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतिम और 10वें फैक्ट के बारे में। दोस्तों, आपने कभी बॉल पेन का इस्तेमाल तो किया ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि उसको पकड़ने के लिए नीचे एक रबर दी जाती है, पर ये पेन में नीचे ही रबर क्यों दी जाती है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हम इसको अच्छे से पकड़ सके, ये लिखते समय बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। जब भी हमें काफी देर लिखना होता है तो हमारी उंगलियों पर प्रेशर पड़ता है, उस समय ये रबर अच्छी ग्रिप देती है ताकि पेन हमारी उंगलियों से पसीने से फिसले ना, साथ ही साथ उंगलियों को रबर के रूप में कुशन भी मिले। ये थे आज के हमारे लिए 10 अनसुने फैक्ट। आपको इसमें से कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने WhatsApp स्टेटस और Facebook स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।